लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नॉर्थ वेल्स के क्रिकेट बीच में एक पालतू कुत्ते ने जो किया उसे देख उसके मालिक को भी यकीन नहीं हुआ। असल में 42 साल के रिच विलकॉक अपनी डॉग लिया के साथ बीच पर घूमने निकले। अचानक लिया पानी के करीब जाकर जोरों से भौंकने लगी। अपने डॉग को भौंकता देख रिच ने उसे कई बार पुकारा लेकिन उसने भौंकना बंद नहीं किया। रिच ने देखा कि पानी के करीब लिया एक चीज को देखकर भौंक रहा थी। इसके बाद रिच ने उस चीज को पास जाकर देखने का फैसला किया। रिच ने जब उस चीज के पास जाकर देखा तो वह एक पोर्पोइस डॉल्फिन की प्रजाति का बच्चा था जो पत्थरों के बीच फंसकर तड़प रहा था। ये देख रिच मोशन हो गए और उन्हें डॉग पर गर्व हुआ। इसके बाद रिच ने कमजोर पड़ चुके डॉल्फिन के बच्चे को पानी में ढकेला जिससे वे फिर तैर सके। बच्चे ने तैरना शुरू किया पर बार बार लहरें उसे फिर किनारे की ओर धकेल देती। काफी देर लहरों से लड़ने के बाद डॉल्फिन का बच्चा गहरे पानी में पहुंच गया। इस पूरे इंसिडेंट के बाद रिच ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए बताया कि किस तरह उनके डॉग की वजह से एक डॉल्फिन के बच्चे की जान बच गई।